दोस्तों गुड मॉर्निंग एंड वेलकम माय न्यू ब्लॉग वीडियो। आज मैं नया वीडियो बनाने जा रहा हूं और यहां अपने गांव पहुंचकर आप लोग को दिखाता हूं कि यहां का जो लोकेशन है कितना अच्छा लगता है गांव में। भाई एकदम गमछा वमछा लेके हम भी गांव वाला देसी ठाठ बन गए हैं भाई एकदम। तो आप लोग को दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो है पीछे हमारे देख रहे हैं आलू की खेती होती है और यहाँ पर होती है गेहूँ की खेती। आगे चलते हैं, आप लोगों को गन्ना वन्ना खेती दिखाते हैं भाई, जो आप लोग ऊख बोलते हैं। तो गन्ने की खेती यहाँ पे हमारे यहाँ कैसे की जाती है, तो जिसको जिसको भी चूसना है वो खा जाए। ये पीछे हमारे जितने भी ये प्लांट हैं सब आलू के प्लांट हैं, सब आलू के प्लांट। और इधर से आप लोग को मैं दिखा दूँ कि ये जो हमारे पीछे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर गेहूँ के प्लांट हैं। और फिर आप लोग को एक अद्भुत चीज़ दिखाने चल रहा हूँ जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ है यहाँ पर। ये भी है एक, इसका जो है बोया जाता है ना तो इसको खाने के लिए होता है, फूल की सब्जी बना के खाया जाता है। और ये लो जो आप देख रहे हैं ये है ऊपरी, जिसको बोलते हैं खाना बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए चूल्हे पकाया जाता है तो इसको ऊपरी बोलते हैं, इसको कंडा भी बोलते हैं। तो यहाँ गाँव में भाई पथाई होती है। बाकी और आपको क्या दिखाएँ, लेकर चल रहे हैं और दिखाते हैं आप लोग को कुछ फसल जो यहाँ पर बोई जा रही हैं। देख लीजिए पीछे साहब ऊपरी के कंडे लगे हुए हैं काफ़ी विशाल विशाल। ये आलू का प्लांट है, आप लोग को दिखाते हैं खोद के कैसा होता है। ये देखिए कंधे को तो मिल जाए, मिलेगा धैर्य वहाँ। ये देखिए यही आलू यहाँ पे उत्पादन, जो आप लोग पटेटो बोलते हैं आलू खाते हैं तो वही आलू है। और आपको दिखा रहे हैं ये देख कितनी बड़ी आलू पड़ी है, ये देखो बड़े बड़े आलू हैं भाई, पोटैटो आलू। जो किसान बोता है हमारे यहाँ बुआई होती है आलू की, फिर आलू अब तैयार हो चुका है, इसकी खुदाई होने वाली है। तो ये आलू का जो होता है पोटैटो, जो कि हर सब्जी में काम आता है। और इधर हम आपको दिखाते हैं, ये आप लोग देख रहे होंगे हमारे पीछे है चने की खेती हो रही है, जो चना सुबह शाम खाया जाता है। और ये पीछे है हमारे धनिया की खेती, जो सब्जियों में डालने के लिए हरी धनिया या फिर सूखी धनिया काम आता है तो वहाँ पर इसको प्रयोग कर लिया जाता है धनिया। ये देखिए काफ़ी अच्छी खुशबू दे रहा है धनिया की खेती। तमाम प्रकार की यहाँ पर खेती होती है गाँव में आके भाई, बड़ा अच्छा आनंद लगता है। शहर की जो चूँ कूँ है उससे मुक्ति मिल जाती है और यहाँ पे आके अजब सा सुकून मिलता है भाई, एकदम बढ़िया मज़ा आ जाता है। बाकी तो और भी भाई बहुत कुछ आप लोग को दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। गांव तो आया भाई लेकिन फंस गए हैं, काम पे काम, काम पे काम, बहुत से काम पड़ गए हैं। पीछे हमारे कोई भाई साहब ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं, इसलिए अभी उसको भी देखते हैं, चलाने का अवसर मिलता है तो चलाया जाता है। बाकी ये ट्राली है यहाँ पर और ये घर का गेट। हाँ तो भाई लोग यही है गन्ना, देख लीजिए गन्ने की जो खेती होती है पैदावार होती है यही गन्ना में, ये बड़े बड़े गन्ने हैं और इस ट्राली में इतने गन्ने हैं भाई, चूसने में मजा आ जाता है। एक खेत में घुस गया शेर, ये देखिए पीछे तमाम गन्ने के प्लांट लगे हुए हैं ट्राली में, काफ़ी आनंद ले रहा हूँ भाई। ठंडी बढ़ चुकी है, फिर से कोहरा आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा कोहरा भाई पड़ता है। ट्राली में बैठ गया है गमछे लेके कान वान में बांधने के लिए भाई, क्योंकि ठंडक सुबह सुबह ठंडक बढ़ गई है, फिर से ठंडक जब हो जाती है भाई तो फिर थोड़ा बच के रहना पड़ता है, नहीं तो नुकसान कर जाती है। हमारी जो ट्राली है चल रही है खेत में, खेत में हम चलेंगे क्योंकि यार गांव में आए बड़े खुशी खुशी की सोचे, चार दिन पाँच दिन की छुट्टी है तो छुट्टी मनाएंगे, लेकिन भाई यहां पे आके तो वाकई में बच गए। ये गन्ना यहां पे पर्ची आ गई थी जो कि भेजना है इसको मिल में और हम आके यहां बच गए। अब यहां सिर पे भाई बोझा लाद लाद के पूरे 300-400
बोझ जो होता है, गट्ठर होता है, उसको पूरे टाली में बांधना है। लास्ट में आप लोग देखेंगे टाली कैसे तैयार हो जाती है, कैसे तैयार की जाती है, तो पता चलेगा। भाई काफी मेहनत, किसानी करना भाई कोई आम बात नहीं है। किसान का मतलब मेहनत, जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको मिलेगा, चाहे जो क्षेत्र हो। बाकी ये बांका वाका है भाई, इसी से काट काट के टाली में सेट किया जाता है। सेट करके एकदम पूरा बंडल के ऊपर से ऊपर तक बांध के रख दिया जाता है। बात तो भाई बच ही गए हैं, एक टाली तो लोडिंग करवा के फिर अगले दिन फिर भाई निकल लेंगे अपने वतन, क्योंकि वहीं ठीक है क्या नहीं ठीक। चल रहे हैं गन्ने खेत में, भाई लोग हैं अपने के साथ में, लगवाना पड़ेगा। क्या समस्या आ गई किसान, दिखाते हैं आपको। ये है भैया गन्ना का खेत, देख सकते हैं प्लाटो प्लाट है भैया। आज बात चुके हैं हम आके यहाँ पे गांव में, मोड़ पे लाद के गट्ठर पूरा भैया पैक होगा। ये टाली खड़ी है, इसी के ऊपर से एकदम खूब ऊंचाई तक लदेगा भाई। एक टाली लोड करा के यहाँ से भागो भर दे, बहुत समस्या है भैया। एकदम समझ लो खेती किसानी भाई हो ना पाए, जिसको भी चूसना हो एक गन्ना भाई ऊख है, ऊख के खेत में घुस गया शेर। तो भाई शहर में जो लोग 10-10 रुपए में भाई रोबजा पीते हैं, 20-40 रुपए में, उससे भी बढ़िया ये है गन्ने का रस। तो गन्ने का रस भाई एकदम चूसने में मजा आता है। बाकी सूर्यदेव भी सुबह सुबह उगने ही वाले हैं, अभी लालिमा दिख रही है थोड़ी थोड़ी। तो अब चलते हैं हम लोग अपने काम पे, शुरू हो जाते हैं। चलो भाई सो स्टार्ट। पीछे देख रहे हैं हमारे 5 दहाना लद गया है टाली पर गन्ना, और ये गन्ना को अब देखिए थोड़ा घुमा करके फिर हम इसको फिर से लादना शुरू करेंगे। भाई क्या बताएं आप लोग को, यहाँ घर आने के बाद ना, चाहे आप कितने बड़ा इंजीनियर हों या जेई हों, कुछ भी हों, तो यहाँ पर भाई सबको काम करना पड़ता है। जो ट्रैक्टर चला रहे हैं वो भी हमारे बड़े भाई साहब हैं, सिविल इंजीनियर हैं, प्राइवेट ही हैं लेकिन इंजीनियर ही हैं। बाकी ऊपर हैं तो एक डॉक्टर है और एक भी आदमी है वहाँ पर तो काम कर रहा है। तो फिर भाई गाँव ऐसा होता है कि आप कितने भी पोस्ट पर रहें, कुछ भी रहें, तो गाँव में आके आप लोग को काम करना है भाई, कुछ भी हो, क्योंकि किसान परिवार से अगर आप हैं तो आपको काम करना है। ये पूरा गन्ना का खेत है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पीछे चल रहा है। अब इसको घुमा करके फिर से भी ला देंगे गन्ना वन्ना को भाई। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सपोर्ट करिए। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी एक डॉक्टर ये भी है, ये भी आ चुका है हमारे खेत में, गन्ना वन्ना चुहेगा भी फिर जाएगा। ये भी डॉक्टरी कर रहा है भाई, एक ऊपर है वो भी डॉक्टर है, सभी लोग डॉक्टर हैं। बाकी आगे वीडियो में दिखाते हैं। अभी 5 धाना हमारा पूरा हो चुका है, फिर जब पूरी टाली लद जाएगी उसके बाद आपको दिखाते हैं कितना ऊंचाई पर लदा के हम लोग भेजाते हैं इसको गन्ने को, वहाँ पे मिल में जाएगा भाई, फैक्ट्री में। इससे बनेगी क्या, शुगर, चीनी, शुगर केन से बनेगा चीनी। तो यही सब है भाई, फिर मिलते हैं आगे। नाश्ता का समय हो चुका है, आ चुका है भाई लोग नाश्ता, हम नाश्ता खाते हैं आगे आप लोग को दिखाते। ये है भाई का है, क्या बोलते हैं इसको, पास्ता, पास्ता भाई, पास्ता, देसी पास्ता है। तो भाई लोग बड़ी मेहनत के बाद हम लोगों ने 2 टाली लोड कर लिया है, और 2 टाली लोड होने के बाद हम आ चुके हैं अपने यहाँ तिराहे स्थान पर। आप लोग को भी चलकर दिखाते हैं यार, कितना काफी धूप हो रही है, कम से कम यार 3 घंटे हो गए हम लोग को लाते लाते। सुबह खेत में गए थे और इस समय देख सकते हैं भाई, ये टाली है जो कि दूसरी टाली है, और आगे हमारी टाली खड़ी है पहली वाली। तो सारा जो इसका इस दूसरी वाली टाली है उसको ला देंगे हम उस पर, देख सकते हैं ये इसी पे सारा लोड होगा गन्ना, और ये जाएगी मिल। तो देख रहे हैं इसी पर भी वो जो पीछे वाली टाली है, पीछे वाला ट्रैक्टर जॉइंट है, तो वही टाली का इस पर खाली करके इस पर लोड करेंगे, पूरी फुल टाली होगी, फिर इसको जाएगी मील पे। चलिए भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।